रूट्स आवाज पंजाब दी फोक पंजाब दा बस सीन क्रिएट करता महाराज तुसी थैंक यू सर लव यू यार इन्ना घबरा की क्यों गाया बेटा की गल है घबराई हुई है ना मेनू रब ने सबब दौलत भी मिल जाती शोहरत भी मिल जाती मिलन ना मावां दियां लोड़ियां स्वागत है जी थोड़े अपने फेवरेट शो जी का नाम है जी प्योर रूट्स आवाज पंजाब दी फोक पंजाब दा चलो जी एपीसोड नू अगे वधाउने आ ते बुलाउने आ जी साडे अगले परफॉर्मर नू ए बहुत वधिया गांदे ने पर पिछले एपीसोड दे विच बाल बाल बचे ने एलीमिनेट होण तों एंड असीं उम्मीद करदे हां कि इस एपीसोड दे विच ए उस तों वध तैयारी करके आए होणगे एक बार जोरदार तालियां ऐश वास्ते आओ जी सत श्री अकाल कोई प्रेशर तो नहीं है अज पक्का बड़ा औखा बचा होया लास्ट एपीसोड है ना कोई गुंजाइश नहीं छड़नी पक्का ऑल द बेस्ट जंज बूहा मल के
जा सांवरनी माए अपनी आँखों जा सांवरनी माए असा उड़ जाना असा उड़ जाना साड़ी लंबी उड़ारी वे साड़ा चिड़ियाँ दा चंबावे बाबला वे साड़ा चिड़ियाँ दा चंबावे एक बार जोरदार ताड़ियां। थैंक यू देवी बाजी, क्या बात कि आवाज इन्नी सोहनी तुहाडी, इन्नी दिल नूं इन्नी छू गई कि बिल्कुल बेटी जिस तरह विदाई हो रही है, वो सीन तुसी सीन पेश करता। शायद जनाब मुनव्वर राणा साहब का शेर है कि सब रो रहे थे, सब रो रहे थे तो मैं भी फूट फूट कर रोया, सब रो रहे थे तो मैं भी फूट फूट कर रोया, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। आहा, क्या बात, कमाल, रुखसती का सीन तुसी पेश करता। क्या बात, मारा चढ़दी कला बख्शे थानू, बहुत बहुत थैंक यू बाजी। जसविंदर मैम, अंतरे विच की लफ्ज इस्तेमाल किया सी, मैनू समझ नहीं आई। बैठी जंज बूहा मलके आउणा मैं परदेसन पलके, क्रॉस लाइन की सी। अपनियां कूंजां सांभनी माए, अपनियां कूंजां, अपनियां कूंजां सांभ, कुंजियां तो मैनू पता है, कुंजां तो कोई रखदा नहीं ਕੁੰਜੀਆਂ ਆਲੇ ਮਾਏ ਸਾਹਮ ਕੁੰਜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸਾਹਮ ਉੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੰਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸਾਹਮ ਲੈ ਮਾਏ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਕੁੰਜਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ। ਹਾਂ ਐਡਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ ਤੂੰ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਵੇ It's not your day, I think. और फिर दूजी गल, रिदम विच क्यों नहीं गाया? ए इन्ना अच्छा लगता है रिदम नाल गाना। ऐश की गल है? Anyway, all the best. थैंक यू मैम, थैंक यू बिटी मैम। मैनू बहुत अच्छा लग्या क्योंकि बड़ी फीलिंग वाला गाना सी, तो मैनू तुसी गाया भी बहुत वधिया, मेरे मन नू बहुत बहुत वधिया लग्या। और मैं समझदी हाँ कि किते ना किते जदों किते तुसी होर दसां सालां बाद, तो मैनू रफ़ी जी की याद आ गई है गाना सुन के, कि जदों वह भी गाँवते धियां दे कोई गीत, तो इन्नी फीलिंग मैं उन्होंने गाने चो मैं महसूस हो रहा है, रफ़ी जी वांगू जिमें मैं सुनती सी उन्होंने। सो तुसी बहुत अच्छा कर सकते हो। सो जो छोटिया चीज़ा तकनीकी दीदी दस रहे ने, प्लीज़ उन्होंने होर भी ध्यान करो। और बहुत वधिया मैं फील किया तुहाडा गाना सुन के, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लस यू। हैरी जी, ऐश तुसी साडे बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हो, वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट, ता ही अज तुहानूं एक जीवनदान शो विच मिलिया इत्थे, है ना। अनप्लग वे विच गाया तुसी गाने नूं, ठीक है ना, रिदम नाल होंदा होर वधिया लगदा। और कुछ चीज़ां तुहाडे अपने अंदाज विच वी तुसी गाईआं, देयर वाज पेन इन द सोंग, बिल्कुल दर्द सीगा, इमोशन भी सीगे, आवाज़ ते तुहाडी सोहणी है ही है, बट तुहाडे तो बहुत एक्सपैक्टेशंस ने, और समा बहुत कम रह गया, हुण घट रह गया समा। और आई कैन सी अ फ्यूचर आर्टिस्ट इन यू, ऑलरेडी तुहाडे अंदर एक आर्टिस्ट मैन दिखदा है,
थोड़ी पर्सनैलिटी की वजह करके थोड़ी आवाज़ की थोड़ी गायकी और जिन्ना भी तुसी शो परफॉर्म किया अज तक सो प्लीज़ तुसी बहुत ध्यान रखो अगले दे दो तीन एपीसोड जो फिनाले तक जा रहे हैं काउंटडाउन बिगन हो चुका है ना आई ट्राई माय बेस्ट प्लीज़ थैंक यू हरी जी हंस जी सर तुसी किन्ना दी आवाज़ च पे सुनिया गाना तैयार कर लगे किस गवैये की आवाज़ च गाना सुनिया सर पूछ रहे ऐश जी सुरत करो को होश नू हाथ मारो मामी तुहाडी केले लई आउंदी है ठीक है ओ मैं तैनू कह रहा भरा मेरे ओ पूछ ये गाना कित्थे सुनया सी किन्ना दी आवाज़ च एक्चुअली ये कवर सॉन्ग कीता सी ये मेरे किसी दोस्त ने मैं मतलब काफ़ी खास ने तो उन्होंने ही सुन के मतलब मैं ओरिजिनल नहीं सुनया सी मैं थोड़ा फिर उन्होंने ही सुन नहीं ओरिजिनल तुसी किन्ना दा सुनया तो अपने दोस्त दा जा किसी होर कलाकार दा अपने दोस्त दा सुनया जी हाँ जी सर चल जा फैश कर ये तुफैल ने जी साहब का सुनियो तो तुहानू अपने आप ही पता लग जाएगा कि गाना है की है ओए होए होए सुनो जरूर अज यूट्यूब ते है साडा चिड़िया नाले कट्ठा क्या करो साडा चिड़िया दा चंबा तुसी की कहने साडा चिड़िया दा चंबा ओ नहीं ठीक है मेरे तो भैड़ा कहने नू दिल ही नहीं करता वैसे ही नहीं दिल करता उदा सुनो जरूर तुफैल साहब नू सुनो फिर तुसी कहना चल मैं ओही गालूंगा टुट गई तड़क करके लाइव बेकदरा मेरा यार ठीक थैंक यू सर थैंक यू सो मच जी थैंक यू ऐश एक बार ऐशली जोरदार तालियां सो हुण बुलाउने आ जी अपने अगले परफॉर्मर नू एक बार जोरदार तालियां हरमन वास्ते किवें ठीक हो वधिया भाई जी फुल तैयारी हाँ जी हाँ जी केड़ा गाना गा रहे हो मैं सरदूल साहब दा डोरी गा रहा जी क्या बात है ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट वजियां वेड़े विच शहनाइयां सखियां डोली पावणे आइयां तियां जमदियां होण पराइयां वे नारो बाबला वे नारो बाबला नारो बाबला वे नारो बाबला जदों होगी मेरी डोली माए अखियां तो ले होगी मेरी डोली माए अखियां तो ले पिछों वेख वेख रोवी पिछों वेख वेख रोवी मेरे गुडियां पटोले पिछों वेख वेख रोवी मेरे गुडियां पटोले गल लग के बापू दे रो रो भिज गए कलीरे लग के बापू दे गए कलीरे मैनू डोली च बिठा के ताह मार रोए वीरे मैनू डोली च बिठा के ताह मार रोए वीरे खड़ी गुम मां का तो कुछ मुँहो क्यों ना बोले गुम मां का तो कुछ मुँहो क्यों ना बोले मावे वेख वेख रोमी पिछों वेख वेख रोमी मेरे गुटियां पटोले पिछों वेख वेख रोमी मेरे गुटियां पटोले जदों होगी मेरी डोली माए अखियां तो ले पिछों वेख वेख रोमी मेरे गुटियां पटोले पिछों वेख वेख रोमी
ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਮੈਮ ਹਰਮਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗਏਗਾ ਮੈਮ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ 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 ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹਰਮਨ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਥੀਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਵਿਆਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਥੀਮ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਹੰਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਥੀਮ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਲਾਕ ਥੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣੇ ਆਪ ਲੱਭਣ ਲੱਪੇ ਤਾਂ ਘਟ ਗਏ ਹੁਣ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ ਜੀ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਦਵਾ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੋ ਗਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਵਰਾਜ ਔਰ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਵਿਆਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਖੜਾ ਸੁਣੋ ਮੁਖੜਾ ਸੁਣਾਓ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲਾ ਗਵਈਆ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਰੋ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰੋਵੇਂਗੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਹਾਨ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਐਕਚੁਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਲੈਰੀਆ ਮੋਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਰਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਦੂਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹਰਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਮਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ
बनना पऊ पंजाबिया जगो बारिया पले बिच गोबिया ने जिथे जाते पछाण बना लेंदे ओते भी पेट ले भी किते जा बैठन तौर वखरा ही रो पंजाबियां दा दिन लंघते उम्मीदा दे सहारे सजड़ा दिलारे होया आशिका दी कारी जिंदगी इत्थे तुंबा बजाओ देखो मैं जो हूँ गौर कर रहा एक चीज़ कोई हरकत नहीं कोई गरारियाँ नहीं कुछ नहीं ला रहे बस इमोशंस दे रहे हैं ओनली इमोशंस सो इन्नी कलाकारिया की लोड़ ही नहीं है जो इमोशंस नाल तुसी मार सकते हो जी, बहुत हो गया बिल्कुल क्या बात है अंश जी चल रहा साडा वैडिंग स्पेशल एपीसोड साडे कंटेस्टेंट्स बहुत ही वधिया वधिया गाने लेके आ रहे ने जट साहब नूं इंप्रेस कर रहे ने कुछ इंप्रेस नहीं भी कर पा रहे ने साडे अज दे सारे कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्म किया जट साहबान ने अपने अपने कमेंट्स अपनी अपनी फीडबैक उन्होंने दिती है तो हुण वेला हो गया जी उन्होंने टीम लीडर्स नूं बुलाउण दा सो सब तो पहला बुलाने जी साडे बहुत ही प्यारे बहुत ही सुरीले सुरीले खैर सारे ने बट आ जाओ यमला भाजी जोरदार तालियां यमला जी लई मैं सामने नहीं आना मैं कैश ते आना अच्छा दसो अज की परफॉर्म कर रहे हो सर मैं गा रहा वा जोड़ी ते गाना बाई तेरी जोड़ी जीवे पर मैं तुहानू डेडिकेट करांगा ठीक है चलो जी ऑल द बेस्ट
क्या बात है पाजी। थैंक यू सर। ताड़ी भी जोड़ी जीवे ब्याह हो गया ना? जी सर, मेरा बेटा है, उसका नाम मैं की रखा वरदान। वाह जी वाह, क्या बात है। तनु एक होर वरदान है। बिल्कुल बिल्कुल। केड़ा? सिंगिंग दा। हाँ, क्या बात। एक बार जोरदार तालियां यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ते हुन जा सकदे हो जी। थैंक यू सर। माए मेरी ये सांभले गुड़िया पटोले, माए मेरी ये सांभले गुड़िया पटोले। हाँ, ये तलाक ली सूट कर दा व्याह ले। आए, आए, आए।
साडे डायरेक्टर साहब आ चुके ने, विच इंटरप्ट कर रहे ने। मैं सामने तो नहीं आंदा, मैं कैश ते आना। कॉफी यार पिला दो।